हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टिक्स किचन। फॉर अ चेंज आज का रेसिपी मैं हिंदी में करने वाला हूँ एंड आई होप ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। सो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन रोगन जोश। रोगन जोश को आई डोंट थिंक किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, ये ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर ट्रेडिशनल कश्मीरी डिश है। ये रेसिपी भी मेरे मॉम की किचन से इंस्पायर्ड है, सो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। डू लेट मी नो कॉमेंट्स में कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, एंड फॉर नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए मस्टर्ड ऑयल, दालचीनी, लौंग, छोटी और बड़ी इलायची, तेजपत्ता, हींग, सौंठ या अदरक पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सौंफ पाउडर, जीरा, काला जीरा, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, भुना हुआ और रोस्टेड जीरा पाउडर और फाइनली मटन के पीसेस। ये रेसिपी में हम मटन को प्रेशर कुक करेंगे, तो एक प्रेशर कुकर में 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल गरम करके उसमें सॉटे करें 1/2 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून जीरा। कुछ सेकंड्स के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 kg मटन के पीसेस। हमें मटन को मीडियम हीट पे अराउंड 10 मिनट तक सॉटे करना है। अब इसमें डालें 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची। अब हम इसे 5 से 8 मिनट तक और सॉटे करेंगे। हमें इसे सॉटे करना है जब तक मीट पे एक अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए और ऑयल सेपरेट होने लगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून सौंठ या अदरक पाउडर और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब सब मसालों को अच्छे से मीट के साथ मिला लें। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले ना। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2.5 टीस्पून सौंफ पाउडर और 1/2 कप पानी। अब हम प्रेशर कुकर बंद करके इसे 5 विसल के लिए पकाएंगे। अगर आपके मटन के पीसेस छोटे साइज के हैं तो उन्हें कम टाइम के लिए पकाएं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून काला जीरा। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी जब उबलने लगे तो गैस बंद कर देंगे। अब फाइनली हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा रोगन जोश अब बन के तैयार हो चुका है। इसे हम राइस या नान के साथ सर्व कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।